नाज्रीन नाइन न्यूज़ की शुरू हुए रमज़ान ट्रांसमिशन से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जवाद कुरेशी नाजरीन रमज़ान रमज़ानबारक का पहला अशरा हमसे जुदा हो चुका है दूसरा अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान रमज़ानबारक वो बरकत बरकतों और रहमतों वाला महीना है कि रमज़ान मुबारक में सैदना अबू रजी अल्लाह त से रवायत है कि रसूल रसुल्लम ने फरमाया जब रमज़ान आता है तो खुल जाते हैं जन्नत के दरवाजे और बंद कर दिए जाते हैं के दरवाजे जहन्नम के दरवाजे और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और रमजान मुबारक में जो बंदा नेकी करता है उसका इतना अजर सवाब है और दस रमज़ान मुबारक को उमर हज़रत सैदा खतीजा तिलकुब्रा रजील त योम विसाल है खतीजा तुलकब्रा वो शख्सियत थी वो ख़तून थी जिन्होंने औरतों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के साथ उन्होंने ऐसी ज़िंदगी बसर की अब आ, हमारे से इस प्रोग्राम में हज़रतम मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी साहब मैं आफि साहब का तह दिन से मशहूर हूँ कि आफि साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए मैं आफि साहब से दरख्वा करूँगा कि आप सदा के शान में हमें हमारे नाजीन को कुछ बातें बताएँ अलहदल वक़फ़ा वसलात वसलामल नबी अबादा वाल आलि व अहबी ही वजुर्रिया ही वाहली बैत ही अजमाइन अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लिशीतिन बसमिल्लर अल तबारक वाल फ़िलकुरआन मजीद वलब्रह रशीद अन नबीला बिलमुबिनी निनफ़ुसिम वजवाजुहू उमाहाबी यादी सल वसलम तसलीमल सई दिना मौलाना महमद वाल सदिन व मौलाना महमदूँ अबारिक वसलम हम दो सना के बाद मेरे हाजरीन नाजरीन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं उस रब करीम का करोड़ा एहसान हम पर कि जिसने इस मुबारक सात में इस मुबारक घड़ी में मुबारक के इस रोज़े की हालत में रब तआला ने हमें उस हस्ती के जिक्र की तोफ़ी अता फ़रमाई वो ज़ात वो हस्ती कि जिसके मुतालिक रबत अली क़ुर मजीद में फ़रमाता है अन नबी जो बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु जुहु अल्लाह फरमाता है नबी जो हैं वो मोमिनों को मोमिनों की जो जानें हैं उनसे ज़्यादा मोमिनों पर हक रखता है और जो नबी की अजवाज हैं जो नबी की घर वालियाँ हैं वो मोमिनों के लिए मोमिनों की माँ हैं वो मोमिनों की माँ हैं और उन उन माँ में से उन अजवाज में से सबसे पहली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा और ममिन की सबसे पहली माँ जनाब हदीजतुल्कब्र रदी अल्लाह तह उस उन उस पाक हस्ती के जिक्र के लिए हम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उस ज़ात का जिक्र क्यों ना किया जाए उस हस्ती का ज़िक्र क्यों ना किया जाए जो कि सबसे मोमिनों की सबसे पहली माँ हैं उस हस्ती का उस ज़ात का जिक्र क्यों ना किया जाए जो कि इस्लाम की सबसे पहली मोहसिना भी हैं और उस हस्ती का जिक्र क्यों ना किया जाए कि जो कि जनाब जिनके जिक्र से जनाब मुस्तफ़ा खुद खुश होते हैं खुद नजरे करम फरमाते हैं यहां मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि जहाँ सारी कायनात सारी कायनात सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके उसको मखलूक को राहत पहुँचती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया सारी उम्मत मेरा दीदार करके राहत सारी उम्मत को पहुँचता है मैं जनाब खदीजा को देखता हूँ मुझे सुकून पहुँचता है मुझे राहत पहुँचती है वो जनाब खदीजतुलकब्रा रजी अल्ला आपका नाम खदीजा और आपके वालद का नाम फालिद था आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था आप मक्के में पैदा हुई और आमुल फील से पंद्रह बरस पहले आपकी विलादत हुई यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पंद्रह बरस पहले आपकी विलादत हुई आपके वालिद जो थे वो मक्के के बहुत बड़े ताजर थे बड़े मालो जर के मालिक थे और आपने बहुत दौलत से नवाज़ा था इसी तरह जब उनका इंतकाल हो गया तो जनाब हदीजतुल्कब्र रदी अल्ला ने तजारत का सिलसिला शुरू किया आपका लकब ताहिरा था जनाब हदीजतल्कब्रा का जो लकब था वो ताहिरा था इसकी वजह ये थी इस लकब के मिलने की वजह ये थी कि जब अभी इस्लाम का आगाज़ नहीं हुआ था अभी इस्लाम की इब्तदा नहीं हुई थी अभी औरतों के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे परदे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे तब भी खदीजतुल्कब्रा बपर्दा रहा करती थी बाया रहा करती थी तब भी खदीजतुल्कुब्रा ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा कभी किसी से झूठ नहीं बोला कभी किसी से किसी की गीबत नहीं की इसीलिए लिए जनाब हदीजतुल्कुब्रा रजी अल्लाह तकब ताहरा मिला यहाँ अब चूँकि हजूर सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के निका से पहले जनाब हदीजतुल्कब्रा रदी तन्हा का यके बाद दीकर दो निका हुए उनमें से सबसे पहले जिन के साथ आपका निका हुआ उनकी वफ़ात के बाद फिर आपका दूसरा निका हुआ वो भी फोत हो गए फिर उसके बाद जनाबूर अकदत सल्हु वसम के साथ जनाब हदीजतालकब्रा रदी अल्लाह तह का निका हुआ अब निका पढ़ाने वाले जनाब तालिब हैं और जब खदीजतल्कब्र रदी अल्लाह तह काजूरीत वसलम से लिखा हुआ तब आपकी उम्र जो थी खदीजतलकुब्र रदील अन्हा की उम्र चालीस बरस थी और हजूर अकत स की उम्र जो थी वो पच्चीस बरस थी अब दो इस्लाम के ताजर चूँकि खदीजतल्कब्रा ताजर थीं और बड़ी मालदार थी आपको मलिकत अरब के नाम से पुकारा जाता था कि यानी कि अरब की मलिका आरब की शहज़ादी आप इतनी मालदार थी कि अरब का लकब आपको दिया गया आपको इस लफ्ज़ से पुकारा गया अब दो हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिनके पास तिजारत की वजह से बड़ा मालो जर था बड़ी दौलत थी उनके पास लेकिन जब इस्लाम कबूल हुजूर के दामन से जुड़ गए वो सारी माल दौलत हुजूर के कदमों पर क़ुर्बान कर दी उनमें सबसे पहले जो दो हस्तियां हैं एक जनाब सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तह हैं दूसरी खदीजतलकब्रा रजी अल्लाह तहा है कि जिन्होंने अपना सारे का सारा माल इस्लाम के लिए हुजूर के कदमों में निछावर कर दिया अब यहाँ एक बड़ी पॉइंट की बात एक बड़ी खूबसूरत बात कि जनाब खदीजतल्कब्रा रजी अल्लाह तन्हा का जब निका हजू अखली वसलम से हुआ तो पच्चीस साल हजूर सल्हु वम की अकेली जोज़ा रहीं अकलौती जोज़ा रही पच्चीस बरस तक हजू सल्हु वसलम ने कोई दूसरा निका नहीं किया वो तमाम तजलियात वो तमाम अनवार वो तमाम जो रब की रहमत हजूर पर बरसती थी हजूर की जो जवानी थी वो तमाम तजलियातूर अकदली वसलम की देखने वाली जो है वह खदीजतुल्कब्रा हैं अब यहाँ जो जुमला है एक पॉइंट वाली बात यह है बड़ी खूबसूरत बात है फजीलत की बात है खदीजतल्कब्रा रदी अल्लाह तनहा के लिए वो ये है कि पच्चीस बरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया औरत से अब यहाँ ना ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा कुबरा से निकाह करके किसी और औरत के साथ निकाह किया और दूसरी तरफ देखिए तो जब तक फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह हज़रत अली के निका में थी न हज़रत आली को दूसरे निका की इजाज़त दी हजूर अकल्ला वसम ने जब तक फ़ातिमात ज़हरा रदी अल्लाह तह मोला अली के निका में थी तब तक अली ने दूसरा निका नहीं किया इसकी हमत क्या थी इसकी वजह क्या थी इसकी हमत और इसकी वजह ये थी कि जब एक औरत यानी एक निका के होते हुए मर्द दूसरा निका करता है तो शौकन आ जाती है अब शौकन में ये होता है कि बराबरी होती है शिरकत होती है शरीक होती है दोनों जो जाएँ तो गोया के मुस्तफ़ी करीम रऊफ़र सल्ला वसम ने खुद खदीजा के होते हुए दूसरा निकाह ना करके और हज़रत आली को दूसरा निकाह से मना करते हुए फातिमा तो जहरा के होते हुए मखलूक कायनात को बता बता दिया कि नागपूरी कायनात में खदीजा के बराबर कोई हो सकता है नागपूरी कायनात में फातिमा तो जहरा के बराबर कोई हो सकता है Allah, ये वजह थी कि जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो ख़ुद खदीजा के होते हुए निकाह फ़रमाया ना तो ज़हरा के होते हुए हजरत अली को निकाह करने की इजाज़त दी अब यहाँ एक और बात पच्चीस बरस जनाब खदीजतुलकब्रा रदी अल्लाह तहा हज़ूर सल असलम के साथ अकलौत ज़िंदगी गुजारी आपने अब दूसरी तरफ देखा जाए बड़ा मकाम हासिल है बड़ी मरतबत हासिल है जनाब बड़ी मरतबा वाली शख्सियत हैं जनाब सदी अकबर रदी अल्लाह तह हो जब आप गार शोर में हजूर अगर सल्लाम के साथ फ़कत तीन दिन रहे तीन दिन और तीन रातें जब आपने गुजारी तो जनाब उमर रदी अल्लाह तह ने क्या फ़रमाया था एद्दीक़ मेरी सारी ज़िंदगी की इबादतें आप ले लें जो आपने हुजूर हज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में गुजारे वो तीन दिन और तीन रातें मुझे दे दें गोया के उमर के नज़दीक वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकलौत सद्दीके अकबर ने तीन दिन और तीन रातें गुजारी उमर के नज़दीक उमर की सारी इबादतों से अफजल है अब मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा कि जहाँ सिद्दीक अकबर की तीन दिन और तीन रातें गारे शौर में जो गुजारी हैं आपने उमर कह रहे हैं कि मेरी इबादतों से अफजल है तो क्या शान हासिल है क्या मकाम है फौज जनाब खदीजतब्र रदी अल्लाह ताली आन का जिन्होंने पच्चीस साल हजूर सल्लाम की माइजारे समी मोहतरम जनाब खदीजतल्कुब्र रदी अल्लाह तनहा मलिकतुलरब यानी कि अरब की शहज़ादी अब एक वक्त ऐसा भी आ जाता है एक घड़ी एक लम्हा ऐसा भी आ जाता है कि जब वफ़ा की हद कर देती हैं वो वक्त कि जब शेब अबी तालिब का वाक़ कि तीन बरस तक जब तमाम लोगों ने मशरकिन मक्का ने जितने भी बड़े बड़े कबाइल थे सब ने बाइका्ट कर दिया सोशल बाईकाट कर दिया तो वह खदीजतुल्कब्रा जो कि मलिकतुलरब थी हज़ूर सल अल्लाह वसलम के साथ शेब अबी तलब में तीन साल फ़कत फकत पत्ते खा कर ज़िंदगी गुजार बसर की वो तीन साल फकत पत्ते खा कर और पानी पी कर अपनी ज़िंदगी बसर की कोई मिसाल नहीं मिलती दो हस्तियों की शेब अबी तालिब में कि जिन्होंने हुजूर पर जान निसारी का हक अदा कर दिया वफ़ा का हक अदा कर दिया वो दो हस्तियाँ उन दो हस्तियों में एक जनाब अबू ताब हैं और एक जनाब खदीजतलकुब्रा रजी अल्लाह तो हस्ती हैं कि जिन्हें रब का जिन्हें रबी सलाम भेजता है खदीजतुल्कबरा वो हस्ती हैं कि जिन्हें रब भी सलाम भेजता है और जबरी जबरी अमीन खुद सलाम भेजते हैं गार में है जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला में हदीजतुल्कबरा रदी अल्लाह तन आप खाना लेकर जा रही हैं पानी लेकर जा रही हैं हजूर सल वसलम के पास इतने में जबरीली अमी आ गए अर्ज करने लगे यार सुल्लाह जनाब खदीजतल्कब्रा आ रही हैं वो आपके लिए खाना लेकर आ रही हैं पानी लेकर आ रही हैं जबरीलीज़ूर सलील वसम से जबरीली अमीन अर्ज़ करते हैं या रसोल्ला खदीजा को बिशारत दे दीजिए कि रब उसको सलाम पेश कर रहा है और उनको बिशारत दे दीजिए कि मैं जबरील उनको सलाम पेश कर भार रहा हूँ वो खदीजतल्कब्रा रजील् तह बहुत बड़ी हस्ती आप चूँकि दस मुहर्रमर्राम को आपके विसाल का दिन भी है जनाब खदीजतकब्र रदील तन्हा से हज़ुर अक्त सल्ला वसम तमाम अजवाज से ज़्यादा मुहब्बत फरमाते थे तमाम अजवाज से सबसे ज़्यादा जो महब्बत थी हज़ू सल्ला वसम को खदीजतकब्ब्रा रदील्ल् तनहा से थी अब जब खदीजतकब्र रदील तन की ज़िंदगी में भी और आपके विसाल के बाद भी आपका बार बार तस्करा किया करते थे अब मैं मुख्तसर अख्तसार के साथ वो लम्हा के जब हजूल जब खदीजतकब्रा रदी अल्लाह ता का विशाल हुआ तो एक और अदीस मुबारक बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि हज़ुर आयशा रदी अल्लाह तन्हा फरमाती हैं कि जब मैं बार बार तस्करा सुनती हदीजतलकुब्र ऱी अल्लाह तह का तो मैंने हजूर सल्ला वसम से फरमाया अर्ज़ की यार सुल्ला वसलम क्या वजह है और भी अजवाज मतःहरा हैं खदीजा से आप क्यों इतना प्यार करते हैं बार बार उनका तस्करा क्यों करते हैं तो जनाबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम वसलम ने फ़रमाया फरमायायशा मैं उस खदीजा से क्यों ना प्यार करूं उसका बार बार तस्करा क्यों ना करूं जब सब इनकार कर रहे थे उसने इकरार किया जब सब कलमे से दूर जा रहे थे उसने मुझ पर जो है इस्लाम कबूल किया उसने कलमा पढ़ लिया जब सब अपने माल को इस्लाम से दूर कर रहे थे उसने सारा माल इस्लाम के लिए निछावर कर दिया और उससे मुझे औलाद मिली मैं उस खदीजा का जिक्र क्यों ना करूँ अब विशाल की गड़ियाँ हैं अब शेब अभी तालिब का जो वक्त वो जो तंगी जो एक परेशानी थी उसको देखने के बाद जब उस मुश्किल से निकले तो खदीजा तो बीमार हो गई अब बिस्तर पर हैं मौत के लम्हात करीब हैं हज़रत फ़ातिमा तोहरा रदी अल्लाह तन्हा आपके करीब बैठी हैं जनाबे खदीजा रदी अल्लाह तन्हा फरमाने लगी अः फ़ातिमा है बेटी अपने बाबा से कह देना मैं तो ना कह सकी आप उनसे कह दें कि ये जो आपके उ... ऊपर ओढ़ी हुई चादर मुबारक है जो आप गार में भी ओढ़ कर जाते हैं अल्लाह की वही का नजूल होता है वो बाबरकत चादर मुझे कफ़न के तौर पर अता कर दें वो बाबरकत चादर मुझे कफन के तौर पर, पर जो है वो आप अता कर दें जब फातिमा ज़हरा रत अल्लाह हजूर रकदली वल्म से अर्ज़ करती हैं कि खदीजा आपसे वो चादर मांग रही है तो जनाब मुस्तफ़ा करीम रऊरम सल्हल की आंखों से आंसू आ गए और फरमाने लगे फ़ातिमा खदीजा से कह दो कि तुम चादर मांग रही हो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है इतने में जबरील अमीन आते हैं इतने में जबरील आते हैं आकर अर्ज़ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमा रहा है कि मैं खदीजतुलकुब्रा के लिए जन्नत से कफन भेजा है अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अजवाज मतहरा की सबा इक्राम की अहल बैत की ज़िंदगी को पढ़ने की समझने की अता फ़रमाए और उस पर अमल पैरू होने की तोफ़ी अता फ़रमाए व वा आखिर वादा अनिलहमदल् रबालमीन बहुत खूबसूरत गुफ्तु नयाफ़त साहब कर रहे थे सैदा अख्तीजतब्रजी अल्लाह तन हा की शान बयान कर रहे थे अल्लाह तुआ यही है कि अल्लाह ताली सैदा अख्तीजतकबरा की मगफरत फरमाए और उनके सदक़े हमारी हमारे गुना माफ़ फरमाए अच्छा ये सूद के बारे में क्या है क्योंकि है। जी, सूद के मुतालिक जो है सूद जो ए, सूद का मसला है वो तो नशे कती से साबित है उसके मुतालिक कोई ऐसी नहीं है कि कोई पेचीदगियाँ हों या कोई ऐसा मसला हो कि यार शायद कोई उसका कोई रास्ता निकल रहा हो सूद एक से साबित है कुरान मजीद में जो है वो रब सूद को जो है वो हराम करा दे रहा है सूद हर लिहाज से हराम है ठीक है इसका यही है कि ये हराम है बिल्कुल जायज़ नहीं है से साबित है ये अच्छा हमारा जो तीसरा सवाल यही है आपसे कि जिसके घर में बंदा अगर कोई फोत हो जाए उसके घर में खाना खाना जायज़ है या नहीं जायज़ इस पर थोड़ी सी वजात फरमा दे कि आइंदा मतलब तो कि अक्सर गाँव में ये होता है कि कोई बंदा फ़ोत हो जाए उसके घर में खाना बंदे खाने छुए जाते हैं जी जी असल इस पर चूँकि शरीयत ने जो है ना अब फौत शुदगान जो कोई फौत हो जाता है उसके लवाइकिन एक गम में होते हैं एक रंज में होते हैं शरीयत ने तीन दिन तक जो है ना वो जो फौत हो गए उनके घर वालों के लिए खाना पकाना आग जलाना जो है उससे मना किया गया अब वो जो है वो किसी के लिए खाने का अहतमाम नहीं कर सकते क्योंकि तीन दिन जो है सौग के हैं अब जो आप कह रहे हैं वो अक्सर जो एक चीज़ देखी जाती है वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि कुछ कमेटियाँ बनी होती हैं कुछ जो है वो एक मोहल्ले वाले सब मिलकर जो है वो फ़ंड करके तो जो मेहमान वग़ैरह आते हैं दूर दराज से लोग आते हैं उनके खाने का बंदोबस्त करते हैं वो तो जायज़ है कि जो मोहल्ले वाले करते हैं जो कमेटियाँ वगैरह करती हैं वो खाना खिला सकते हैं जितना खिलाएँ खिला सकते हैं तीन दिन खिलाए लगातार वो खिला सकते हैं आगे तक खिलाते रहे तो खिला सकते हैं लेकिन जो फ़ोत होने वाले के जो घर वाले हैं ठीक है जो फ़ोत हो गए उनके जो अपने घर वाले हैं वो जो तीन दिन तक घर में खाना नहीं पका सकते या अच्छा, खाना खिला नहीं सकते जी जी अच्छा ये अक्सर गांव में यही मसले चल रहे होते हैं कि आपको पता है कि में इतनी औरतों के पास मुताला नहीं होता इतनी पड़ी नहीं होती दीन इतना नहीं समतीत क्या क्या हम जुम्मे के दिन कपड़े धो सकते हैं इस पर थोड़ी सी वजह फरमा दें कि जुम्मे के दिन हम कपड़े धो सकते हैं अक्सर औरतें ये कहती हैं कि जी मौलवी साहब से ये मसला हमने पूछना है देखिए रफ्त ने रफ्त के महबूब ने फरमाया कि जो सफाई है ना सफाई वो निसफ ईमान है ठीक है पाकि निसफ ईमान है अब उसके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें आप जो है वो आप किसी चीज़ को जिस तरह ये आपने सवाल किया कि यार जी क्या कपड़े जो एक एक है कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार वो मन गणत एक मसाइल बना दिए जाते हैं पुराने लोगों को सुनकर पुराने ज़माने के ज़माने जहलीत की बातें सुनकर कि यार जी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ठीक है जी, जी इस टाइम मगरब के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए या फिर कपड़े नहीं धोने चाहिए जुम्मे के दिन ये तमाम चीज़ें जो है ये बेबुनियाद हैं खुद से बनी हुई बातें हैं ये ऐसा कुछ नहीं आप किसी वक्त भी जो है वो झाड़ू भी लगा सकते हैं आप कपड़े भी धो सकते हैं अब इसी तरह एक जो है वो बात जमाने जालीय की आज तक चलती आ रही है कि रस्ते से बिल्ली गुजर गई तो जी अब सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे या फिर एक बंदा जो है नई गाड़ी लेता है करोड़ों रुपए की गाड़ी लेता है और साथ में जो है ना एक बच्चे का जूता लटका देता है एक बड़ा वीआईपी बड़ा घर बनाता है करोड़ों का घर बना के जो है वो उसके साथ एक पुराना सा बर्तन लटका देता है कि इससे नज़र नहीं लगती ये सब जमाने जहलीत की बातें हैं ये सब बेबुनियाद हैं दीन से इसका कोई तल्लु नहीं है दीन अच्छा आफ़ साहब हमारा आखिरी सवाल है आपसे क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है आखिरी दिनों में अपना रमज़ान का जो हमारा फितराना होता है वो देते हैं क्या वो रमज़ान के रोज़ों में देना चाहिए या ईद की नमाज हो जाए तब अदा करना चाहिए इस पर थोड़ी सी वजात फरमा दें कि अक्सर बंदों को ये नहीं पता होता कि यार कब अदा कब अदा करना चाहिए जी, जी फितराने के मुल्क जो है वो सबसे पहले तो हजूर सल्ला वसल्म का फरमाना आपके सामने रखूँगा उसफ़ा करीमराफुलर वम ने फरमाया कि ये रमज़ान के रोज़े तब तक मालक रहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटके रहते हैं कि जब तक फितराना अदा न कर दिया जाए इसकी लाजम होने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक दलील है कि कितनी ज़रूरी कितना ज़रूरी है फितराने का अदा करना कि रोज़े आप तीस दिन रोज़े रखते हैं बड़ी मेहनत करके भूखे प्यासे रह कर रोज़े रखते हैं लेकिन फितराना अगर किसी वजह से अदा नहीं कर सकते तो वहाँ आपके रोज़े मालिक है रब की बारगाह तक पहुँचे ही नहीं आचर कहाँ से मिलेगा अब उसकी अदायगी का यह है कि जितना हो सके रमज़ानुल मुबारक में ही जितना जल्दी पहले रोज़ों में ही पहले अशरे में दूसरे अशरे में अदा कर दिया जाए ताकि वबा मसाकिन जिनको दिए जाएँ पैसे तो वो अपना जो है वो कोई चीज़ ख़रीद सके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सके अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद सके अब यहाँ एक मसला और भी बयान करूँगा कि फितराना जो है वो वैसे तो ईद की नमाज़ से पहले पहले अदा कर देना चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से फितराना नहीं अदा कर सके रह गया भूल भूल गया या किसी भी वजह से अदा नहीं कर सके तो अब ऐसा नहीं है कि आपके सर से वो उतर गए हैं कि यार अब तो ईद भी गुजर गई रोज़े भी गुज़र गए तो आप छोड़े अब नहीं देते ऐसा नहीं है जब तक आप अदा नहीं करेंगे आपके रमज़ान के, के रोज़े मालिक ही रहेंगे आप सारी ज़िंदगी उसको अदा कर सकते हैं हाँ यह है कि फितराना जो है फितराने की अदायगी ज़िंदगी में ही है कि उसको आप फ़राने को अपनी हयात में ही अदा कर सकते हैं आपके फौत हो जाने के बाद उसकी कज़ा नहीं है या वो फितराना बाद अदा नहीं किया जा सकता अच्छा ये जो इसमें मेरे जहन में सवाल है कि फितराना अपने घर वालों को बंदा दे सकता है या हमारे अम, जो महल के मस्जिद के इमाम होते हैं उनकी एक तनख्वाह मुकर रहती है कि जी महीने बाद हमने बारह हज़ार रुपया बीस हज़ार रुपये दे, इनको देना है हमें क्या हम उनको ये फ़राना दे सकते हैं या अपने घर वालों को दे सकते हैं इस पर थोड़ी सी करना। अच्छा यहाँ जो ज़क़़़़़त के मुतल और फितराने के मुताल है अब घर वालों को दे सकता है कि नहीं हज़ुर सल्व ने हमारे सामने इस्लाम को वाज तौर पर रखा शरीत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ है अब मुस्तफ़ा करीमर सल्ह वसम ने ज़क़़त का जो रकम है या फ़ितरानी की जो रकम है उनके मतलब फ़रमाया कि ना आप अपने बच्चों को यानी ना आप अपने बेटों को ना अपनी बेटियों को ना अपने पोतों को ना अपने पोतियों और ना नवासों और नवासीियों को अदा कर सकते हैं इसी तरह सिलसिला आगे और ना आप अपने वालिद को और ना अपनी वालदा को ना नाना ना नानी और ना दादा दा दा दादी और इसी तरह उनसे ऊपर जो सिलसिला है उनको आप जो है ये रकम नहीं दे सकते इसी तरह मियाँ बीवी को नहीं दे सकता और बीवी मियाँ को जो है वो नहीं दे सकते तो मस्जिद के यहाँ अब इमाम मस्जिद को की हालत को देखा जाएगा जी, जी. कि आया कि वो मसाकिन में गराबाँ में उनका शुमार होता है कि नहीं अगर एक अच्छी रकम उनको उनको मिलती है और वो जो है वो साहिब जो है ना वो इस मसाकिन में उनका शुमार नहीं होता या जिनको फितराना दिया जाए जिस तरह मसाकिन हैं गराबाँ हैं यतामा हैं तो अगर उनमें शुमार नहीं होता तो फिर उनको नहीं दिया हाँ यह है कि बहुत गरीब है बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है तो फिर उनको दिया जा सकता है यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आया के अपने रिश्तेदार जो हैं जो अकरबा हैं उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी दूसरे को दिया जाए तो जो है रब तला का कुरान फरमाता है क़ुरान में रब ताली फरमाता है व आतल माला अला खुब्ब ही जवील क़ुरबा वलियतमा कि जो माल है वो तुम सबसे पहले अपने अकरबा को दो अब चाहे वो ज़कात हो या फ़ितराना हो या कोई भी रकम हो तो सबसे पहले हमें अपने अकरबा को देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए जो मुस्तक हैं उनको अदा करें यह ना हो कि आपके अपने रिश्तेदार अकरबा जो हैं वो भूखे मर रहे हों प्यासे मर रहे हो और आप दूसरे तीसरे महल में जा कर ढूँढ रहे हों कि किस को हम जो है फ़राना या ज़क़त अदा करें तो ये है कि अपने अकरबा को रिश्तेदारों को जो है ना वो देना अफजल है नाजरन बहुत ही प्यारी गुफ्तु बहुत ही प्यारा हमारा प्रोग्राम चल रहा था हमारे मेहमान हजरत अलमा मौलाना हाफिज मोहम्मद सदीक क्रेशी साहब मैं हफिज साहब का तय दिल से एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाफि साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए इस चैनल के जो चीफ़ एडिटर हैं जो इस चैनल को बनाने वाले मोहम्मद कुरैशी मरहूम अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ अल्लाह ताला उनको इस रमज़ान मुबारक के सद के जन्नतफरदोस में आला मुकाम अता फ़रमाए